지금 여기서 담배 피우시면 어떡? वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज मैं एक मजेदार मूवी समझाने वाला हूँ जिसका नाम है स्वीट एंड सोर। मूवी की शुरुआत इंटर्न शहर में होती है जहाँ जैंग नाम का एक मोटा लड़का रहता है। कुछ समय पहले ही वो इंजीनियर की जॉब के लिए पक्का हो चुका था, लेकिन हेपेटाइटिस बी होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये एक ऐसी बीमारी है जो लिक्विड की चीजों से एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुँच सकती है, हवा से बीमारी नहीं फैलती। लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा उससे एक ही बार मिलने आते हैं और उससे दूर ही रहते हैं ताकि उनको ये बीमारी ना हो। जैंग के दोस्त भी उससे कम ही मिलने आते हैं और उसके हालचाल वे मैसेजेस पर ही पूछ लेते हैं। उसके कमरे में साथ रह रहे मरीज भी उससे दूर ही रहते हैं और हमेशा डॉक्टर और नर्स को कहते हैं कि इसके और हमारे बीच में पर्दा डाल दीजिए। जैंग की लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, लेकिन फिर उसको एक दिन डायून मिलती है जो कि वहाँ पर एक नर्स है। डायून हमेशा ही जैंग से प्यार से बात करती है और यहाँ तक कि जैंग को अच्छा महसूस कराने के लिए ग्लूकोज वाले बैग पर किस भी करती है। एक बार शाम के समय दिखाते हैं, जैंग हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने निकलता है, तभी उसको डायून दिखती है जो कि सीढ़ियों के पास खड़ी सिगरेट पी रही होती है। जैंग को डायून के हाथ में एक अंगूठी दिखाई देती है और वो उससे इसके बारे में पूछता है। डायून बताती है, यह अंगूठी मुझको पढ़ाई करने पर मिली थी। फिर डायून पूछती है, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास एक पक्की नौकरी है। मुझे देखो, मैं यहाँ पर पक्की नहीं हूँ और हमसे कुत्तों की तरह दिन रात काम करवाया जाता है। वो बताती है कि मैं थकी हुई हूँ, इसलिए अपनी थकान को दूर करने के लिए पी रही हूँ। अब उनकी बातचीत चली रही होती है कि तभी वहाँ पर एक खड़ूस हेड नर्स आ जाती है। वो सिगरेट की बात को लेकर बहुत गुस्सा करती है। फिर खुद को बचाने के लिए डायून ऐसे नाटक करती है जैसे कि वो सिगरेट जैंग पी रहा हो और उसी की हो, और उसी को डांट कर चली जाती। अगली सुबह डायून आती है और जैंग का शुक्र अदा करते हुए बोलती है, अगर रात को तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाती। अचानक डायून जैंग की प्लेट में रखा खाना खा लेती है, जिससे जैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब डायून को महसूस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं इसकी बीमारी मुझे न फैल जाए। फिर डायून जैंग से माफी मांगती है, लेकिन जाते हुए कमरे के बाकी सभी मरीजों को डांटते हुए कहती है, तुम में से अगर किसी ने जैंग को परेशान किया तो बुरा होगा। अब शाम के समय दोनों मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। जब डायून जैंग को देखने आती है तो वो थकावट की वजह से कुछ देर के लिए पास ही में सो जाती है। डायून अपनी थकावट की वजह से कॉफी पीना और सिगरेट पीना भी छोड़ चुकी है। वो गुस्से में जैंग को डांटती है क्योंकि वो काफी बार जैंग को सिगरेट पीता हुआ देख चुकी है। डायून को टेंशन और थकावट में देखकर जैंग उसकी मदद करने लगता है। वो डायून को मोटिवेट करने वाले मैसेजेस करता है और अपने कमरे वाले एक आदमी का महंगा खाना चुरा लेता है ताकि वो खाना डायून के साथ बैठकर खा सके। वो अपने बेड की कुछ जगह छोड़ देता है ताकि रात के समय जब डायून आए तो वो चुपचाप थोड़ी देर के लिए सो सके। किसी के पकड़ने से पहले ही वो डायून को जगा भी देता है। वो काफी बार बीमार होने का नाटक करता है और इसी बहाने व्हीलचेयर से बाहर भी जाता है। काफी बार वो खुद डायून को व्हीलचेयर पर बैठा के बाहर घुमा देता है। डायून हमेशा अच्छे से बर्ताव करती आई है और जैंग की सभी चीजों के बदले वो जैंग की पट्टियों पर स्टिकर्स भी लगा देती है। लेकिन एक दिन जैंग बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये बात सुनकर डायून वहां से चली जाती है। जाने से पहले बोलती है, मुझसे ऐसी बातें मत करना, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। हॉस्पिटल में एक नियम है कि वहाँ काम करने वाले किसी मरीज के साथ कोई भी नर्स दोस्ती नहीं कर सकती, इसीलिए जब भी जैंग सभी के सामने डायून से बात करने की कोशिश करता है, डायून तो उस पर ध्यान ही नहीं देती ताकि वो अपनी नौकरी न खो पाए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स बताते हैं जैंग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो वापस अपने घर जा सकता है। बेचारा जैंग उदास हो जाता है क्योंकि अब वो डायून से मिल नहीं पाएगा। अब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी रात में जैंग एक मरे हुए इंसान के लिए आए फूलों में से कुछ फूल चुरा लेता है और डायून को वही फूल देने के लिए बैठा होता है। लेकिन शाम को चेक करने के लिए वहाँ डायून की जगह सबसे बड़ी नर्स आती है। जिस दिन जैंग को हॉस्पिटल से जाना होता है, वो डायून को बाय करने के लिए इंतजार करता रहता है, लेकिन डायून आती नहीं है। इसलिए जब जैंग के घर वाले हॉस्पिटल में आते हैं तो जैंग उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता। अब जैंग अपने दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए बाहर आया हुआ है। उसके दोस्त बोलते हैं, भाई इस नर्स के पीछे तू पागल हुए जा रहा है, इस सबका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैंग हार मारने को तैयार नहीं है। वो डायून से मिलने के लिए वापस हॉस्पिटल जाता है, लेकिन डायून के ना मिलने पर जैंग उसका फोन नंबर चुराने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा करते हुए वो पकड़ा भी जाता है और बेचारे जैंग को आधा ही नंबर याद हो पाता है। वो घर जाता है और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाने की पूरी कोशिश करता है और जितने नंबर उसको याद है उसके पीछे वो अलग अलग नंबर लगाकर कॉल्स करता है। बहुत बार गलत नंबर पर कॉल्स जाती है, लेकिन आखिर में उसको सही नंबर पता लग ही जाता है और डायून को कॉल लगती है। वो बोलती है, मुझे कुछ दिनों तक ठीक महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है। जैसा कि अब जैंग को पता लग गया है कि डायून उसको इग्नोर नहीं कर रही थी, इसलिए वो बताता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर डायून जैंग को अपने घर पर बुलाती है। फिर अपने पापा की कार से जैंग जल्दी डायून के घर पहुंच जाता है। दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है, लेकिन थोड़ी देर में डायून जैंग से रात को रुकने के लिए बोल देती है क्योंकि वो अकेला महसूस कर रही है। वो एक दूसरे को गले लगा के साथ में सो जाते हैं और जब सुबह के समय डायून जागती है, वो देखती है कि जैंग एक लाइट बल्ब को बदल रहा है और साथ ही साथ उसने सुबह का नाश्ता भी तैयार कर लिया है। इतना सारा प्यार देख के डायून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस प्यार के बदले वो जैंग को
लिप्स पर छोटू सा किस करती है। लेकिन जैसे जेंग थोड़े अच्छे से किस करने लगता है, डाहिन उसको रोक देती है और बोलती है, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद से दोनों साथ में घूमने लगे हैं। जेंग डाहिन के लिए हॉस्पिटल में खाना लेकर जाता है, अपने पापा की कार ले जाकर डाहिन को हॉस्पिटल से घर तक छोड़ता है और साथ ही उन लोगों से चिढ़ता भी है जिनके साथ डाहिन घूमती है। बेचारा लड़का प्यार में इतना पागल हो गया है कि डाहिन के घर से कूड़ा भी बाहर फेंक कर आता है और डाहिन के बुरे समय में हमेशा उसका साथ देता रहता है। एक दिन खाने के वक्त जेंग का ध्यान डाहिन के हाथ पर जाता है क्योंकि डाहिन ने कोई अंगूठी नहीं पहनी होती है। वो इस बारे में पूछता है और डाहिन बताती है कि मुझसे अंगूठी खो गई है। ये सुनकर जेंग बोलता है कि तुम इस काम से बहुत तंग हो चुकी हो, जब मैं अपना घर ले लूंगा तब तुम मेरे पास आ जाना और अपनी नौकरी छोड़ देना। डाहिन इस बात का कोई जवाब नहीं देती और जेंग को गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद डाहिन का कोई जान पहचान का आदमी जीजू नाम की जगह पर जाने के लिए 2 टिकट्स भेजता है। डाहिन जेंग से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? और हमारे जेंग तभी के तभी हाँ बोल देता है। जब दोनों बाहर सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे शर्ट्स खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेंग के लिए सभी शर्ट्स छोटी पड़ जाती है। जेंग पास में एक लड़के और लड़की को देखता है जिन्होंने सेम शर्ट्स पहनी हुई है और उनको देखकर वो थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर वो मैक्रो नाम की चीज खाने के लिए रुकते हैं और दुकान का मालिक उनको डिस्काउंट भी देता है क्योंकि डाहिन वहां पहले भी खाया करती थी। लेकिन जेंग खाना खाता क्योंकि उसको अपना भारी शरीर की वजह से बुरा लग रहा है। अब जीजू घूमने जाने का दिन आ चुका है। डाहिन हवाई अड्डे पर खड़ी जेंग का इंतजार कर रही है। जेंग सही समय पर पहुंच जाता है। डाहिन उसकी तरफ हाथ हिला रही होती है और जेंग उसकी तरफ भागते हुए आता है। डाहिन के पास जेंग के लिए एक तोहफा भी है। वो जेंग के लिए जूते लाई होती है और बिल्कुल वैसे जूते खुद उसके पास भी है। हालांकि वो बोलती है, एक दिन हम एक जैसे शर्ट जरूर पहनेंगे जिस दिन तुम पतले हो जाओगे। जेंग जल्दी से जूते डालता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए पतला जरूर हो जाऊंगा। ऐसा करने के लिए वो थोड़ा सा भाग कर भी दिखाता है। अब अचानक बदल जाता है। जेंग एक पार्क में भाग रहा है और काफी पतला और स्वस्थ दिख रहा है। वो डाहिन के घर पर जाता है जहां वो दोनों साथ रहते हैं और वो दोनों के लिए सुबह का नाश्ता भी बनाता है। इसके बाद दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए जेंग घर का कूड़ा भी साथ लेके जाता है। ऑफिस में पहुंचकर उसको पता लगता है कि कुछ समय के लिए उसको एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए भेजा जा रहा है और अगर वो उस कंपनी में अच्छे से काम करेगा तो हो सकता है कि जेंग को उस बड़ी कंपनी में पक्की नौकरी मिल जाए। जेंग को बोला जाता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है लेकिन इस नौकरी के लिए तुम्हें दूसरे शहर सियोल जाना पड़ेगा जो कि इंटर्न शहर से काफी दूर है। जेंग इस बारे में डाहिन को बताता है लेकिन उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है क्योंकि बाकी नर्सेस वहां पर आ जाती हैं। डाहिन नहीं चाहती कि कोई उसको जेंग के साथ देखे क्योंकि काफी नर्सेस को जेंग का चेहरा जाना पहचाना लगता है। कुछ दिनों बाद जेंग डियोन को हॉस्पिटल से लेने आता है। वो देखता है कि डाहिन अपने साथ काम करने वाले किसी मोटे आदमी के साथ घूम रही है। ये देखकर जेंग चिढ़ जाता है। अब वो डाहिन को अपनी नई गाड़ी दिखाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं इसलिए मैं सियोल शहर रोज कार में आया जाया करूंगा ताकि हमारी जिंदगी में ज्यादा बदलाव न आए। वो डाहिन को एक वैसी अंगूठी देता है जैसे कि डाहिन ने पहले खो भी दी थी। अपने काम के पहले दिन जेंग ट्रैफिक में फंस जाता है और देखता है कि लोग अपनी कार में तैयार हो रहे हैं, इसलिए उन पर हंसता है और सोचता है, ये लोग बड़े पागल हैं, इन लोगों को मेरी तरह सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है और उसको उसके बॉस से मिलवाया जाता है तब उसको पता लगता है कि उसकी तरह एक और लड़की को काम पर रखा गया है और वो उसके साथ मिलकर काम करने वाली है। लड़की का नाम बोयोंग होता है जो कि अपने काम को अच्छे से करने के लिए काफी संघर्ष करती रहती है और देखने से पता लग रहा है कि वो जेंग को ज्यादा पसंद नहीं करती। दोपहर के खाने के समय दिखाते हैं तो वहाँ काम करने वाली जो पक्की टीम है वो जेंग और बोयोंग को साथ नहीं बुलाते हैं, इसलिए जेंग बोयोंग के साथ अकेला फंस जाता है। घर पहुँचते ही जेंग डाहिन से बोयोंग के बारे में शिकायतें करता है जिसके जवाब में डाहिन बोलती है, तुम्हें अपने साथ काम करने वालों को दोस्त बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन जेंग सभी के लिए कॉफी लेकर जाता है लेकिन मदद करने के बहाने बोयोंग चालाकी से सभी को कॉफी का कप पकड़ा देती है। अब सभी समझ लेते हैं कि ये सब बोयोंग लेकर आई है और बेचारे जेंग का प्लान खराब हो जाता है। इसके बाद बोयोंग जेंग के पास जाती है और झूठ बोलती है, अरे ये तुम गलत काम कर रहे हो, हमें तो दूसरा काम मिला है। ये सुनकर जेंग दूसरा काम करने लगता है और इस बात के लिए उसको डांट भी पड़ती है। उसी रात वो दोबारा डाहिन से शिकायतें करने लगता है और बेचारे डाहिन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता जबकि वो भी अपने दिन के बारे में उसको कुछ बताना चाहती है लेकिन कैसे बताए। जेंग बोलता है, अगली बार जीजू घूमने जाने की प्लानिंग तुम्हें अपने आप ही करनी होगी। जब कंपनी में बॉस को काम दिखाने का समय आता है सभी काम का श्रेय बोयोंग खुद ही ले लेती है लेकिन जेंग बीच में बोलता है, इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में एक गड़बड़ी है जिसकी वजह से पुल टूट सकता है। इसके बाद से जेंग बोयोंग को चिढ़ाता रहता है क्योंकि अपनी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बोयोंग को ज्यादा काम करना पड़ता है। अब जेंग को देखकर मजा आ रहा है कि बोयोंग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और वो खुद तो जल्दी घर चला जाता है लेकिन बोयोंग को देर रात तक रुकना पड़ता है। हालांकि जेंग अभी भी थका हुआ है इसलिए इतने लंबे सफर के बाद वो घर पहुंचकर बिना हाय हेलो बोले ही सो जाता है। जब तक वो सुबह उठता है तो देखता है डाहिन पहले ही काम पर जा चुकी है। उनकी फोन पर बात होती है कि आजकल बातचीत होना बहुत मुश्किल हो गया है इसलिए
इसलिए वो तय करते हैं कि अगर जैंग कभी काम पर ज्यादा लेट हो जाएगा तो वो सियोल में ही रुक जाएगा और हफ्ते के आखिर में डायुन से मिलने आएगा। इस सब के दौरान बोजोंग की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, उसको पूरी पूरी रात काम पर रुकना पड़ रहा है और इसलिए दिन के समय उसको काम करने के वक्त नींद भी आती है। वो काफी ज्यादा खाने पीने लगी है और जैसा कि वो अपने कपड़े नहीं धो पा रही है इसलिए उससे बहुत बदबू भी आती है। जब जैंग उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हें काम के समय इतना नहीं खाना चाहिए, तभी बोजोंग टूट जाती है और अपने दिल की बातें बोलने लगती है। वो रोते हुए बोलती है मैं इतना खाना इसलिए खा रही हूँ ताकि मुझे नींद आए, मुझे अपना बहुत सारा काम पूरा करना है। अब ये सुनकर जैंग को बुरा भी महसूस होता है, इसलिए वो पूरी रात भर रुककर बोजोंग की मदद करने का फैसला कर लेता है। लेकिन इसके दौरान उसका ध्यान डायुन के मैसेज पर नहीं जाता जिसमें डायुन पूछ रही है कि क्या कल तुम आ रहे हो। अगले दिन वो अपना पुल वाला प्रोजेक्ट अपने बॉस को दिखाते हैं। बॉस बोजोंग और जैंग की तारीफ करते हुए पक्की टीम को बोलता है देखो तुम लोगों को इन दोनों से कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद वो लोग जश्न मनाने के लिए खाने की जगह पर जाते हैं। वहाँ जैंग शराब पीने से मना करते हुए बोलता है मेरा एक लीवर ठीक नहीं है इसलिए मैं शराब नहीं पीता। जैंग डोयोन को मैसेज करता है मैं कंपनी के लोगों के साथ खाना खाकर सीधा घर जाऊंगा। वो बोजोंग पर भी नजर रखता है क्योंकि बोजोंग ने कुछ ज्यादा शराब पी ली होती है। जब तक जैंग घर पहुंचता है वो बहुत लेट हो गया है, लेकिन वहां डायुन भी नहीं होती। डायुन बताती है मुझे आज हॉस्पिटल बुलाया गया है क्योंकि एक नर्स नहीं आई है और आज उसकी जगह मुझे ही काम करना पड़ेगा। डायुन ऐसा करने के लिए जैंग से माफी भी मांगती है और कॉल काटने से पहले कहती है घर में खराब एक बल्ब है उसको बदल देना। हालांकि जैंग कुछ नहीं करता, यहां तक कि अपने कपड़े भी नहीं बदलता और थक हार के सो जाता है। ऑफिस में बॉस दोनों को शाबाशी देते हुए बोलता है मुझे तुम दोनों की जोड़ी पसंद आई, तुम दोनों मिलकर अच्छा काम करते हो। इसलिए जैंग और बोजोंग दोनों को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर उन दोनों को मिलकर काम करना होगा और अब की बार दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों साथ में काम करने लगे हैं। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जैंग बोजोंग के साथ देर रात तक रुकता है और दोनों साथ में काम करने लगते हैं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती है लेकिन जैंग डायुन से थोड़ा दूर होता जा रहा है। हर हफ्ते के साथ उनका मिलना जुलना भी कम हो गया है और कभी कभी तो पूरा हफ्ता मिलते नहीं है। इस वजह से डायुन को बहुत बुरा लगता है। उसके पास कोई ऐसी खबर है जिसको वो जैंग को काफी समय से बताना चाहती है लेकिन वो ये खबर सामने मिलकर ही बताना चाहती है। जैंग और बोजोंग का दूसरा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है और इस बात का जश्न मनाने के लिए दोनों साथ में खाने के लिए जाते हैं। यहाँ डायुन अपने बॉयफ्रेंड जैंग का इंतजार कर रही है क्योंकि उसने मिलने का वादा किया था। वो जैंग को फोन करती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो, जिसके जवाब में जैंग झूठ बोल देता है कि मैं आज रात को कंपनी के काम करने के लिए बाहर रुकने वाला हूँ इसलिए मैं मिल नहीं पाऊंगा। अब की बार जैंग से शराब पीने के लिए पूछा जाता है और इस बार वो शराब पी ही लेता है। अब दिखाते हैं तो बोजोंग जैंग को लाइन मारने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा होने पर आखिरकार जैंग की आंखें खुली जाती है और वो अपने घर चला जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे कूड़े वाले थैले रखे हुए हैं। डायुन ने उन सभी थैलों को बाहर फेंकने के लिए और बल्ब बदलने के लिए पहले ही बोला हुआ था। इस वजह से दोनों के बीच काफी बहसबाजी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं थक जाता हूं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। डायुन बोलती है तुम तो यहां बस आराम करने के लिए आते हो, जिसके जवाब में जैंग बोलता है और तुम्हें तो बस अपनी पड़ी हुई है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अचानक डायुन बोलती है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक जरूरी बात है और वो बात यह है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब जैंग कूड़ा फेंकने के बहाने बाहर चला जाता है और बाप बनने की बात उसको बहुत डरा देती है। अगले दिन इस बात की वजह से उसका काम पर ध्यान भी नहीं होता और कुछ देर में डायुन की कॉल आती है और बताती है मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने बताया कि मैं 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर जैंग का मूड इतना खराब हो जाता है कि वो बिना किसी बात के बोजोंग पर चिल्ला जाता है, लेकिन वो तभी माफी भी मांग लेता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो अगली मीटिंग में भी नहीं जाता, उसने तय किया है कि मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से लूंगा। जैंग ने एक दिन की छुट्टी ली है ताकि वो डायुन को डॉक्टर के पास ले जा सके। वहाँ बच्चे के पापा का नाम लिखते हुए डायुन थोड़ा अजीब से व्यवहार करती है। इसके बाद डायुन जैंग को बाहर भेजते हुए बोलती है तुम टेंशन न लो मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगी, मैं खुद भी एक नर्स ही तो हूँ। जब डायुन बाहर आती है तो जैंग उसको जोर से गले लगा लेता है, लेकिन जब वो दोनों घर जाकर थोड़ा चिपका चिपकी करने लगते हैं जैंग को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। जैंग किसी भी कॉल मैसेज पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो डायुन के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन बार बार आती कॉल्स को सुन सुनकर डायुन बोलती है तुम काम पर ही चले जाओ। अब की बार दूर रहने के बाद भी जैंग डायुन को मैसेज करना नहीं भूलता और साथ ही उसने रात को लेट तक काम करना भी छोड़ दिया है। वो डायुन के साथ होने के लिए कंपनी से बिल्कुल सही समय पर निकलता है। जैंग अब रोज इंटर्न से सियोल आता जाता रहता है और ऐसा करने से उसके बुरे हाल भी होने लगे हैं। वो बेचारा भी इतना थक जाता है कि घर आकर सीधे सो ही जाता है और डायुन के साथ समय भी नहीं बिता पाता। वो ऑफिस में भी नींद की वजह से बहुत तंग रहता है। जैंग भी बिल्कुल वैसा ही आदमी बन गया है जिन पर वो शुरू में हंसा करता था, ऐसे आदमी जो कि कार में अपने कपड़े पहनते हैं और ऑफिस में लेट पहुंचकर बॉस की डांट खाते हैं। अब एक शाम को बोजोंग बताती है हमारा प्रोजेक्ट बहुत पीछे चल रहा है क्योंकि तुम हमेशा जल्दी घर चले जाते हो, तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ देर रात तक रुककर ये काम पूरा करना पड़ेगा। जैंग को ये बात माननी पड़ती है और वो दोबारा से घर जाना बहुत कम कर देता है। एक हफ्ते के आखिर में वो डायुन से मिलने जाता है। वो पूरे रास्ते बोलता रहता है बेबी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज तुम जल्दी से अपनी शॉपिंग खत्म
करो, मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। डायन का मन तो मैक्रोन खाने का होता है, लेकिन जैंग उसको वहाँ कुछ भी खाने नहीं देता। जब वो कार में पहुँचते हैं तो जैंग बोलता है, तुम्हें सारा सामान ऑनलाइन खरीदना चाहिए, इससे ना ही थकावट होती है और सामान भी जल्दी मिल जाता है। ये बात सुनकर डायन तो रोने लग जाती है और बोलती है, मैं यहाँ सिर्फ सामान खरीदने नहीं आई थी, मुझे तो इस बहाने से तुम्हारे साथ वक्त भी गुजारना था। जैंग कुछ ऐसी बातें बोलता है जिनसे ऐसा लगता है कि वो डायन के साथ घूम फिर कर बहुत थक जाता है, जिसके जवाब में डायन बोलती है, थक तो मैं भी जाती हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल में बहुत सारा काम करना होता है, लेकिन फिर भी मैं हमारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती रहती हूँ। अब जैंग उसे माफी तो मांगता है, लेकिन गलती से वो डायन को बोयंग बोल देता है। इस चीज पर जैंग का ध्यान तो नहीं जाता और वो गाड़ी चलाकर वापस घर के लिए निकल जाता है। बेचारे डायन को बहुत बुरा लगता है और वो गाड़ी को एक साइड में रोकने के लिए बोलती है, लेकिन जैंग इस बात को गलत समझ लेता है और पास वाले खाने की एक दुकान पर रोक लेता है। वो दोनों दुकान में काम करने वाले के सामने बहसबाजी शुरू कर देते हैं। डायन बोलती है, तुम पक्का मुझे धोखा दे रहे हो, और ये बात सुनकर जैंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तभी डायन बताती है कि मैंने बच्चे को गिरा दिया है, जिसके जवाब में जैंग बोलता है, मुझे बच्चे के बारे में कोई चिंता नहीं थी, तुम्हारा प्रेग्नेंट होना हम दोनों के लिए बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। अब वो दुकान से खाना लिए बिना ही घर को चले जाते हैं। जैंग डायन को उसके घर छोड़ता है और खुद वापस सियोल के लिए निकल पड़ता है, और अब तो वहीं सियोल में रहने लगा है। अब दिखाते हैं कि जो अंगूठी जैंग ने डायन के लिए मंगवाई थी वो आ चुकी है, लेकिन वो अंगूठी को उसके डब्बे में रख देता है। एक शाम को जैंग खुद को रोक नहीं पाता और बोयंग को किस कर ही लेता है। अब इन दोनों के बीच भी एक रिश्ता शुरू हो चुका है। दोनों साथ में काम करते हैं और खाली समय होने पर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। लेकिन जैसे ही जैंग को कोई भी नर्स दिखाई देती है, उसका सारा ध्यान डायन पर चला जाता है। एक दिन जैंग को एक मैसेज आता है जिसमें उसके जीजू जाने वाली दो टिकट्स आ चुकी होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो डायन को मैसेज करता है कि मेरे पास जीजू जाने की दो टिकट्स आई हैं, अगर तुम किसी को साथ ले जाना चाहती हो तो लेके जाओ। उसका ध्यान डायन की प्रोफाइल पर जाता है जिसमें लिखा है, डायन जैंग को प्यार करती है। ये देखने के बाद वो हमेशा ही डायन के बारे में सोचता रहता है, खास करके तब जब उसको मैसेज आता है कि जीजू जाने वाली दो टिकट्स कंफर्म हो चुकी है, जिसका मतलब है कि डायन किसी के साथ जीजू जा रही है। जैंग का ध्यान अपने काम पर बिल्कुल भी नहीं है और आखिरी मीटिंग के दौरान कंपनी की पक्की टीम को काम के लिए शाबाशी मिलती है, जिसका मतलब यह है कि जैंग और बोयंग दोनों की नौकरी पक्की नहीं हुई है। इसके बाद दोनों कंपनी की पार्टी में जाते हैं, जहां जैंग बताता है, मैं वापस अपनी पुरानी कंपनी में काम करने के लिए जाऊंगा। बोयंग बताती है, मैं तो आगे पढ़ाई करने के लिए किसी और देश जाने वाली हूँ। अब बोयंग भी जैंग से दूर जा रही है, इसलिए जैंग दोबारा से डायन के बारे में सोचने लगता है। वो डायन की प्रोफाइल देखता है और वो देखता है कि डायन क्रिसमस मनाने के लिए जीजू जा रही है। जैंग सोचता है कि शायद डायन अभी भी मेरे साथ जीजू जाना चाहती है। वो जल्दी से ऑफिस जाता है और पैन होल्डर से अंगूठी निकालता है। अब वो टैक्सी लेकर हवाई अड्डे पहुंच जाता है। डायन उसकी तरफ हाथ हिला रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहली बार जीजू जा रहे थे। हालांकि जैसे वो कार से बाहर आता है, वो किसी आदमी से टकरा जाता है। अब जिससे वो टकराया है वो मोटा जैंग है, जिसको हेपेटाइटिस बी बीमारी थी और वो अपने नए जूतों में चलकर देख रहा था। दोस्तों अब जाकर पता लगता है कि पतले वाला जैंग और मोटा जैंग दो अलग अलग इंसान है। डायन पतले जैंग से 2 साल पहले मिली थी, उसकी और पतले जैंग के बीच भी नजदीकियां हॉस्पिटल में बड़ी थी, क्योंकि पतले जैंग की टांग टूट गई थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। डायन उसके पैर पर भी स्टिकर्स लगाती थी, वो पतले जैंग के लिए भी सेम जूते लेकर आती थी और दोनों साथ में क्रिसमस मनाने के लिए जीजू भी गए थे। इसके बाद दोनों मिलकर एक ही घर में रहने भी लगे थे, लेकिन जैसे ही पतला जैंग डायन से दूर होने लगा था, तो डायन उसे छोड़कर मोटे वाले जैंग के बारे में सोचती है कि वो मेरे लिए कितना कुछ करता है, खासकर कि वो सभी चीजें जो आजकल पतला जैंग नहीं करता है, जैसे कि बल्ब बदलना या फिर कूड़ा बाहर फेंक कर आना। वो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ही थकी रहती थी और मोटे जैंग को गले लगाकर सो जाती थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ही कॉफी और सिगरेट छोड़ी थी और इस वजह से ही मोटे जैंग की प्लेट से खाना भी खा लेती थी। एक रात जब पतला जैंग उससे मिलने नहीं आया था, तब डायन मोटे जैंग के साथ समय बिता रही थी। उसने मोटे जैंग का नाम बच्चे के पापा के नाम की जगह लिखा था। जब डायन और पतला जैंग अलग हो गए थे, तब जाकर डायन ने अपनी अंगूठी उतारी थी और मोटे जैंग के पूछने पर डायन ने झूठ बोला था। जब पतले जैंग ने जीजू की 2 टिकट्स देने की बात बोली, तो डायन ने मोटे जैंग को साथ ले जाने का तय किया था। अब दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। डायन मोटे जैंग के खड़े होने में मदद करती है। वो पतले जैंग को देखती जरूर है, लेकिन उसको अनदेखा करते हुए और बिना कुछ बोले हवाई अड्डे में चली जाती है। उस समय पतला जैंग डायन को भला बुरा बोलता है और साथ ही कूड़े वाले एक डब्बे पर लात मारता है। इसके बाद वो वापस कंपनी की पार्टी में चला जाता है और उसको पता लगता है कि बोयंग ने जीजू जाने के लिए 2 टिकट्स जीती है। जैंग मन ही मन सोचता है कि ये सब गड़बड़ी मेरे पुराने बॉस की वजह से हुई है, उसी ने मुझे इस नई कंपनी में भेजा था। वो तभी अंगूठी निकालता है और बोयंग को पहनाता है और बताता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बोयंग अंगूठी निकाल लेती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ इतनी दूर तक का कुछ भी नहीं सोचा
है। इसके बाद जैंग पूरी रात वहाँ बैठा शराब पीता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मूवी का क्लाइमेक्स अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों जाते जाते अगर आप कुछ हॉरर देखना चाहते हैं तो आप डेड माइन मूवी देख सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो बच्चे हुए सोल्जर्स थे वो माइन के अंदर घुस गए थे और फिर एक अलग ही रूप में बदल गए। दोस्तों इस मूवी का क्लाइमेक्स भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको देखें। मूवी आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।